कहते हैं प्यार हो तो बता देना चाहिए, लेकिन डरता हूँ कि जैसा रिश्ता है कहीं उसे भी ना खो दूँ। इस डर पर काबू मुझसे हो नहीं रहा था, लेकिन लव यू एज अ फ्रेंड मैं सुन भी नहीं पा रहा था। उसका अभी अभी तो ब्रेकअप हुआ था, कहीं उसे ये ना लगे कि मैं इसी का वेट कर रहा था। थक चुका था मैं अब जस्ट फ्रेंड वाला रिलेशन निभाते निभाते, और डर रहा था मुझसे पहले कोई और ना प्रपोज कर दे। मेरे दिल और दिमाग में बस उसका नाम रहता था, और मेरा प्यार हरदम उसके लिए बढ़ता ही जाता था। अब इन सब बातों को 6 महीने बीत चुके थे, बोर्ड्स की तैयारी में सब जी जान से जुटे हुए थे। अब फेयरवेल वाला दिन भी आया, मिस यू कहकर उसने मुझे गले से भी लगाया। फिर पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई और आई लव यू मेरी जबान पर टिक ना पाया। डर रहा था मैं वो क्या रिप्लाई करेगी, उससे नजरें मेरी मिल नहीं रही थी। अब रिप्लाई सुनकर मैं भी शॉक हो गया, क्योंकि वो मेरे दोस्त के साथ ही कमिटेड हो गई थी। मैंने आराम से धीमे से कहा, तुमने मुझे तो कभी ये बताया ही नहीं। उसने मुस्कुरा कर कह दिया कि कभी तुमने पूछा ही नहीं। उसने फिर से कहा, बट आई लव यू एज अ फ्रेंड। अब ये वर्ड्स मेरे दिल को चुभने लगे थे। सब कुछ अचानक सा हुआ, दिल को दोष दूँ या अपने को ठहराऊँ वजह, बस इन्हीं सवालों की कश्मकश में मेरी कश्ती डूबने लगी। शायद मुझे समझ ही नहीं आया मेरी ज़िंदगी किस मोड़ पर चलने लगी।